मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीरदास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीर दास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साखियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में, तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में, और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर दास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीर दास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है, जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा, उसमें मूल भावधारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा और प्रामाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए कबीर दास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी स्थिति में संतता का त्याग नहीं करना चाहिए, संत के लक्षणों का, साधु के लक्षणों का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। संतन छोड़े संतई, संतन छोड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतल तान त्यजल, तौ शील ताना त्यजल, तौ शीतल तान त्यजल। संत अपने साधु स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। आप लोगों ने सुना होगा कि एक संत एक साधु स्नान कर रहे थे तो एक भिक्षु उसमें डूब रहा था। संत ने अपना हाथ हथेली आगे बढ़ा दिया उस भिक्षु को प्राण दान देने के लिए, लेकिन उस भिक्षु ने संत को काट लिया। वो उनका हाथ कांप गया, संत का वो भिक्षु पुनः गिर गया। पुनः संत ने उसको निकालने की चेष्टा की, पुनः दूसरी बार भी उसने काट लिया, फिर हाथ से गिर गया, फिर वो डूबने लगा। संत ने फिर उसको ऐसे उठाया। बगल के सज्जन स्नान कर रहे थे, कहा साधु
तुम कैसे साधु हो? वो तुम्हें काटे जा रहा है, तुम्हारे हाथ से खून बहने लगा और तुम उसको बचाए चले जा रहे हो। तो संत ने यही कहा कि जब वह इतना छोटा सा जानवर होकर भी अपने स्वभाव से हट नहीं रहा है, तो मैं संत होकर भी अपने स्वभाव से हट जाऊं, जो ये कैसी बात होगी, ये मेरी कैसी संतता है। इसी बात को कबीरदास जी ने इस रूप में कहा है कि संत अपने साधु स्वभाव को नहीं छोड़ता है, चाहे उसने कितने ही असंतों का मुकाबला करना पड़े, कितने ही असंतों का मुकाबला उसे करना पड़े, वो अपना स्वभाव अपना विचार नहीं त्यागेगा। जिस तरह चंदन से अनेक सांप लिपटे रहते हैं पर फिर वह अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता, उसमें शीतलता व्याप्त रहती है, उस जहर के बीच में भी, उस विष के बीच में भी चंदन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। संत न छोड़े अहंकार तजो, मानव अहंकार तजो, अहंकार पूर्ण वाणी कठोरता का द्योतक है, विनम्रता का नहीं। विनम्रता की वाणी शीतलता का द्योतक है, अहंकार का नहीं, ऐसा कबीरदास जी निम्नलिखित पंक्तियों में समझाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का पखो अपना तन शीतल करे और अन को सुख हो। वाह क्या पंक्ति है, कितना ही उपदेश इस पंक्ति में छिपा हुआ है कि मानव को अहंकार छोड़कर ऐसी मधुर और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसे स्वयं भी शीतलता प्राप्त हो और सुनने वाले को भी शीतलता मिले, सुख मिले, शीतलता का आनंद मिले। ऐसी वाणी को सुख हो।